हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और बायोडाइवर्सिटी में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है जैव विविधता का संरक्षण। तो आइए एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता संरक्षण को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाता है या क्यों आवश्यक है। जब जीवों या वनस्पतियों के जीवन को चाहे मानवीय कारण से या प्राकृतिक कारणों से किसी प्रकार का खतरा हो, अर्थात उनके जीवन को किसी प्रकार का संकट हो, तब जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। और जैव विविधता के संरक्षण को हम लोग दो विधियों से करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण दो विधियों से किया जाता है। एक जो विधि है वह कहलाती है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक सीटू कंजर्वेशन, यानी इन सीटू को कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा जो है वह है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। जैव विविधता के संरक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है इन सीटू संरक्षण और दूसरा है एक सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहा जाता है? तो जब जीवों या वनस्पतियों को जीवों तथा वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। तब इस प्रक्रिया को स्वस्थानीय संरक्षण की विधि कहते हैं। जब जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक स्थान में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो इस संरक्षण की विधि को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें तो यह जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जब जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक स्थानों से भिन्न अन्यत्र या कह सकते हैं मानवीय आवासों या मानवीय कृत्रिम आवासों में संरक्षण दिया जाता है तो इस प्रकार के संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अर्थात जब जीवों और वनस्पतियों को जब उनके प्राकृतिक आवास से भिन्न किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर कृत्रिम या मानवीय जो आवास बनाए गए हैं उनके लिए उन स्थानों पर संरक्षण प्रदान किया जाए तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट पाई जाने वाली प्रजातियां हैं जिनके जीवन पर वर्तमान समय में संकट है, तो अगर इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को इसी क्षेत्र में ही एक रिजर्व एरिया बनाकर इनको संरक्षण प्रदान किया जाए तब इसे कहेंगे हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन जब इन जीवों के प्रजातियों को अन्यत्र किसी स्थान पर उनके लिए एक कृत्रिम आवास बनाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है तो इस प्रकार के संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें जनरली इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा संरक्षण किस प्रकार की विधि का संरक्षण है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जो स्वस्थानीय संरक्षण है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, इसके साथ साथ ही संरक्षित झीलें, इसके अतिरिक्त सामुदायिक
आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, ये सारी चीजें इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण की विधि के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रकार की जैव विविधता के संरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है, तो यह स्वस्थानीय संरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है। इन एग्जाम्पलों का आप याद रखेगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित जिले और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। यहाँ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य है जब जो संरक्षण है किसी स्थान में जो संरक्षण दिया जा रहा है वह सरकार द्वारा ना देकर किसी विशेष समुदाय के समूह द्वारा दिया जाए, तब उन क्षेत्रों में जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा उसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहेंगे, अर्थात उस क्षेत्र को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब किसी विशेष स्थान को सरकार द्वारा संरक्षित न करके वहां की कुछ विशेष समुदाय द्वारा उस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए तब इसे समुदाय आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, और यह भी स्वस्थानीय संरक्षण की एक विधि है। इसके बाद हम लोग आते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो बीज बैंक होते हैं, बीज बैंक अर्थात जिन स्थानों में बीजों को संग्रहित करके रखा जाता है या बीजों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, अर्थात बीजों को संग्रहित करके जिन स्थानों पर संरक्षण प्रदान किया जाता है उन्हें बीज बैंक कहा जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, जीन बैंक। जीन बैंक जब वनस्पति और जीवों के अनुवांशिक लक्षणों को किसी विशेष स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो उसे जीन बैंक कहा जाता है, अर्थात जब जीवों या वनस्पतियों को किसी विशेष स्थान पर उनके अनुवांशिक लक्षणों को जब संरक्षण दिया जाता है तो उन्हें जीन बैंक कहा जाता है। और देखें इसमें तो एक है क्रायोजेनिक प्रिजर्व। क्रायोजेनिक प्रिजर्व अर्थात जब किसी क्षेत्र को अति कम तापमान पर उन स्थानों में जब बीजों और परागण को लंबे समय तक जब संरक्षित किया जाता है तब उसे क्रायोजेनिक प्रिजर्व कहा जाता है, अर्थात जब किसी स्थान में अति कम तापमान पर किसी विशेष प्रकार के बीजों और उनके परागणों को जब लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है तब उसे क्रायोजेनिक प्रिजर्व कहते हैं। और क्रायोजेनिक प्रिजर्व भी स्वस्थ जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है उसका एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। फिर आते हैं तो एक आप याद रखिएगा वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान एक याद रखिएगा वृक्ष उद्यान। वृक्ष उद्यान ये ऐसे उद्यान हैं जो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या होते हैं, जब किसी विशेष प्रकार की वनस्पति या वृक्ष जो संकट ग्रस्त है या जिनके विलुप्त होने की संभावना है, जो अभी संकट में है, उनको जब वनस्पति और वृक्ष उद्यानों में उनको संरक्षित किया जाता है तो ये है वनस्पति उद्यान और वृक्ष उद्यान। ये दोनों ही एक सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ से आप देख सकते हैं वनस्पति उद्यान और वृक्ष उद्यान। तो ये दोनों नाम स्पेशली याद रखिएगा, वनस्पति उद्यान और वृक्ष उद्यान, जहाँ विशेष प्रकार की वृक्षों और वनस्पतियों का जब संरक्षण किया जाता है, अर्थात जब वनस्पतियां और वृक्ष जो विशेष प्रकार की हैं उन स्थानों में खतरा हो तो उन्हें वनस्पति उद्यान और वृक्ष उद्यान बनाकर अन्यत्र जगह में संरक्षण प्रदान किया जाता है, और यह बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। इसके बाद अगर आगे आए तो आगे हम लोग एक आप देखे होंगे जंतु उद्यान। जंतु उद्यान ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बाह्य स्थानीय संरक्षण का ही उदाहरण है। और जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर यह भी पहले पर्यटन की दृष्टि से आप इसका उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में चिड़ियाघरों में भी जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जा रहा है, तो चिड़ियाघर भी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इन एग्जाम्पलों से पूछे जा सकते हैं,
कि यह किस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत आता है, अर्थात बीज बैंक किस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो यह बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक विधि है। इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये जो तीन है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें आगे हम देखते हैं। यहाँ बस मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं, और अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का डिटेल पूरा पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ बस एक इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं मैं इन तीनों के बारे में। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, एक है अभ्यारण्य और एक है बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इनकी या तो संख्या पूछी जा सकती है, वर्तमान संख्या, या इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, या इनसे पूछा जा सकता है जो प्रमुख चर्चा में रहे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, जो वर्तमान में प्रमुख चर्चा में रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी स्थापना संबंधी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पहला कब स्थापित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य पहला कब स्थापित हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अर्थात कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, या अभयारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन तीनों से, और इन तीनों से आप हर एग्जाम में देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इन तीनों सेक्शन को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें, ये होते क्या है, तो अगर बात करें अभयारण्य की तो अभयारण्य क्या होते हैं, अभयारण्य एक जब योजनाबद्ध तरीके से जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। अभयारण्य क्या होते हैं, जब योजनाबद्ध तरीके से जीवों का संरक्षण व संवर्धन किया जाता है तो उसे अभयारण्य कहते हैं, अर्थात जब योजनाबद्ध तरीके से जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है किसी क्षेत्र में तो उसे हम अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ जो मानवीय क्रियाकलाप है, अर्थात इन क्षेत्रों में अनुमति लेकर कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलापों की छूट होती है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अभयारण्य होते हैं वहां अनुमति प्राप्त कर कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलापों की छूट होती है। और ये जो अभयारण्य है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र को अगर अभयारण्य डिक्लेयर करना हो तो वहां सर्वप्रथम राज्य का ही स्टेटमेंट आता है कि इस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में डिक्लेयर करना है। यदि वर्तमान में अभयारण्य की संख्या देखें तो वर्तमान में जो अभयारण्य की संख्या है वह 551 है। इसके पहले 543 थी, जो 543 से अब बढ़कर 551 हो चुकी है। ये डाटा याद रखिएगा, 551 है वर्तमान में अभयारण्यों की संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें
तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जब योजनाबद्ध तरीके से ही जीवों के साथ साथ, जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। तब हम उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अर्थात जब जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए, तब उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। इसके पहले जब हम लोगों ने अभयारण्य देखा था, तो ये किसी विशिष्ट प्रजाति के जीवों के लिए आरक्षित होते हैं। जैसे हम लोग पक्षी अभयारण्य सुनते हैं, तो वह केवल विशिष्ट प्रकार के पक्षियों के लिए ही वह क्षेत्र बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। अर्थात मानवीय क्रियाकलाप राष्ट्रीय उद्यानों में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। और जब अभयारण्य को भी जब अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार से फिर वह केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान में भी घोषित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान भी उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखें तो वर्तमान में इसकी संख्या है 104, वर्तमान में इसकी संख्या है 104। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों को ही हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किन राज्यों में स्थित है, इनकी जो 104 है, आपको पूरे 104 तो याद नहीं करने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, और कुछ जो प्रमुख है उनकी स्थापना वर्षों को भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा देखें हम, तो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायो स्फीयर रिजर्व, बायो स्फीयर रिजर्व जब योजनाबद्ध तरीके से ही जीवों वनस्पतियों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों का भी संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, तब हम उसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखें तो इसमें तीन जोन बनाए जाते हैं। ये मैं सर्कल से इसको डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो बाहर वाला जोन है, ये आउटर लेयर, यह कहलाता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। फिर इसके जो आंतरिक वाला जोन है, यह है बफर जोन, बफर जोन। और ये जो अंदर का पार्ट है, यह है क्रोड, क्रोड, या सबसे आंतरिक जो जोन है इसको हम लोग कह रहे हैं क्रोड। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन जोन है यहां पर मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। यानी जो ट्रांजिशन जोन है, ये जो सबसे बाहरी जोन दिख रहा है, यहाँ बस मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। मानवीय क्रियाकलाप जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, वहां खेती करना, यहाँ बस जो मानव है वो अपने गृह यानी घर का निर्माण करके भी वहां रह सकते हैं। लेकिन एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो ट्रांजिशन जोन है उस क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा ट्रांजिशन जोन के बारे में। इसके बाद जो है बफर जोन, ये जो आंतरिक वाला पार्ट है यह कहलाता है बफर जोन। और ये जो बफर जोन है, इस बफर जोन में पर्यटन की अनुमति होती है, अर्थात मानव चाहे तो इस क्षेत्र में पर्यटन कर सकता है, इस क्षेत्र में मनुष्य चाहे तो पर्यटन कर सकता है, यह क्षेत्र कहलाता है बफर जोन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर ये जो आंतरिक क्षेत्र है, ये वाला, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है क्रोड। और क्रोड में
मानवीय प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, यह केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए व रिसर्च के लिए आरक्षित रहता है, अर्थात इस क्षेत्र में कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता या किसी पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पूर्ण रूप से यह प्रतिबंधित रहता है। यह जो सेंटर वाला जोन है, यहाँ केवल जो अनुसंधान के कार्य है, वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य ही, अर्थात ये जो जैव विविधता के लिए विभिन्न प्रकार के रिसर्च चलते रहते हैं, वह उनसे संबंधित अधिकारी यहाँ केवल प्रवेश कर सकते हैं। तो यह याद रखिएगा, जो इसका कोर जोन है, जो मैंने लिख दिया था, यह जो है कोर जोन है, इस कोर जोन में जो वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य होते हैं और यह मानव के लिए पूर्णतः, सामान्य मानव के लिए पूर्णतः यह क्षेत्र प्रतिबंधित रहता है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी। यह बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का एक सामान्य परिचय था। अगर इससे संबंधित डिटेल आपको अगर एक वीडियो लेक्चर चाहिए रहेगा तो एक कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, तब मैं इससे संबंधित सेपरेट सेपरेट 3 वीडियो अलग डाल दूंगा, और नहीं तो फिर इसमें फिर हम लोग आगे जो टॉपिक है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।